हेलो व्हाट्स अप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने टेक चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बिट BIT बिट और बाइट BYTE बाइट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों कई बार ये चीज़ जो है वो आपने सोची होगी कि ये बिट और बाइट क्या है, और कई लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि बिट और बाइट में डिफरेंस क्या होता है। और कई बार इसी का फ़ायदा उठा करके जो है वो आपको कई सारी चीज़ें बेची जाती है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिनका वास्ता स्पीड से होता है, जैसा कि आपका इंटरनेट हो गया या SSD हो गया या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गई। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बिट और बाइट के आधार पर चलती हैं। और कई बार लोगों को इसके बीच का डिफरेंस मालूम नहीं होता है, इसकी वजह से लोग फंस जाते हैं। तो इसी की वजह से आज मैंने सोचा कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर बताया जाए। तो शुरुआत हम करते हैं कि भाई ये बिट क्या होता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताऊंगा आपको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिट जो है वो आपने यहाँ पर स्कूल में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो है वो एक बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। बाकी कोई भी लैंग्वेज या कोई भी कमांड जो है वो कंप्यूटर समझ नहीं पाता है। तो जो भी कोई मैसेजेस हैं या जो भी कोई काम करना है उसको कंप्यूटर एक बाइनरी कोड में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेता है, जिसके अंदर केवल 0 और 1 ये दो ही यहाँ पर अंक होते हैं। तो ये जो बिट है वो ऐसे ही 0 और 1 ऐसे ही दो अंकों से बना हुआ होता है। और बिट जो है वो यहाँ पर स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए या डेटा की साइज़ को कैलकुलेट करने का सबसे छोटा यहाँ पर मेजरिंग हम कह सकते हैं। तो एक बाइट क्या होता है, BYTE बाइट, तो 8 बिट मिल करके एक बाइट बनता है। तो यहाँ पर ये जो एक बाइट होता है उसके अंदर कितने बिट्स होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं पूरे 80 लाख बिट्स। तो 80 लाख बिट्स की एक फाइल जो है बनती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बिट को 8 बार आप गिनेंगे उसके बाद 1 मेगाबाइट बनता है। तो जब आपको इंटरनेट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है तब वो लोग कहते हैं कि आपको 100 Mbps की स्पीड मिलेगी, लेकिन अगर आप उसको गौर से पढ़िएगा तो Mbps कैसे लिखा गया है, M के बाद B जो है वो स्मॉल लिखा गया जाता है और बाद में P और S जो है वो फिर से कैपिटल हो जाते हैं। तो ये जो स्मॉल में भी लिखा जाता है वो बिट का होता है, वो बाइट का नहीं होता है। कोई अगर आपको ये कह रहा है कि मेरे घर का इंटरनेट जो है वो 100 Mbps यानी कि बड़ा वाला 100 MB/s दे रहा है, तो भाई साहब ये चीज़ सही नहीं है। अभी तक कोई भी ऐसा इंटरनेट नहीं आया है जिसके अंदर जो है वो मेगाबाइट वाला हो सके, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ गिने चुने ही ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो कि 1 MB या 1 GB तक का, मैं कहता हूँ गीगाबाइट तक का स्पीड देते हैं, ऐसे बहुत कम है। तो जनरली ये जो है वो Mbps में ही होता है। तो अब ये यूनिट्स जो हैं वो किस तरीके से गिने जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 80 लाख बिट्स जब आते हैं तब आपका 1 MB बनता है। अब यहाँ पर 1 KB मतलब कितना है, तो 1 KB जो है वो आता है आपका 1024 bytes, यहाँ पर 1024 bytes। इसके बाद आता है आपका 1 MB जिसके अंदर 1024 KBs होते हैं। इसके बाद आता है 1 GB जिसके अंदर होते हैं 1024 MBs कंप्राइज ऑफ 1 GB। और उसके ऊपर के जो यहाँ पर मेजरिंग्स है वहाँ तक जनरली हम जाते ही नहीं है, क्योंकि उतना स्पीड और उतनी स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा मौजूद ही नहीं रहती है। फिर भी बता देता हूँ, 1 GB के ऊपर आता है 1 PB जिसे पेटाबाइट भी कहा जाता है, जिसके अंदर पूरे 1024 TBs होते हैं। तो 1024 GBs मिलकर के 1 TB बनता है, और इसका भी 1024 TBs मिलकर के 1 PB बनता है। 1 PB के ऊपर भी होता है
वो है 1 EB यानी कि एक्साबाइट, जिसके अंदर 1024 पेटाबाइट्स होते हैं। 1024 पेटाबाइट्स मिल करके एक एक्साबाइट बनता है। इसके ऊपर आता है जेटाबाइट, जो कि 1024 एक्साबाइट को मिल करके एक जेटाबाइट बनता है। और इसका आखिरी मेजरमेंट जो है वो आता है योटाबाइट, 1 योटाबाइट। तो 1024 जेटाबाइट्स मिल करके 1 योटाबाइट जो है वो डाटा बनता है। तो अब इतना डाटा तो हमारे यहाँ पर किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है और उतना स्पीड शायद ही कभी मिल पाए। तो अब ये समझ लेते हैं कि जनरली बिट्स को कौन से और नाम दिए जाते हैं और बाइट्स को कौन से और नाम दिए जाते हैं। तो बिट्स जो है वो नेटवर्क के मामले में इस्तेमाल किया जाता है। वो जो मेजरमेंट है वो नेटवर्क की स्पीड को यहाँ पर बताने के लिए बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। तो नेटवर्क के मामले में KB, MB ये सारे स्मॉल बी होते हैं, GB, यहाँ तक कि GB भी। आप अगर नेटवर्क के मामले में किसी ने लिखा है कि यहाँ पर आपको 1 GB का स्पीड मिलेगा, तो 1 GB का स्पीड नहीं मिलता है, 1 GB का स्पीड मिलता है। इसके बाद आते हैं बाइट्स। तो बाइट्स जो है वो जनरली स्टोरेज के मामले में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कि भाई इस हार्ड ड्राइव का स्टोरेज कितना है, तो यहाँ पर बाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि 1 KB, 1 MB, 1 GB। तो ये जो बी होता है इसके अंदर का वो बड़ा वाला बी होता है, तो वो काफ़ी बड़ा स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन अगर आप स्टोरेज के हिसाब से ही यहाँ पर नेटवर्क स्पीड में भी वही क्रोनोलॉजी को लगाएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। देखिए, बताने वाले भी गलत नहीं है, लेकिन आपने जो सुन रखा है बहुत बार GB, इससे आपके समझने में ये आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर MB लिखा है, मतलब मेगाबाइट ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है जनरली। और आप यहाँ पर देखें तो और एक ज्ञान मैं आपको देता चलूँ, GB के अंदर लोगों को ये लगता है कि 1000 MB होते हैं, 1000 MB इक्वल टू 1 GB। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर एक्चुअली 1024 मेगाबाइट्स होते हैं, उनका मिल करके 1 GB बनता है। उसको जो है वो लोग 1000 MB ऐसा ही कहते हैं, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर 1024 होते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।